I gave you my heart. हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन करेंगे। यह सीटेट, यूपीटेट एवं अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे अधिकतर सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको आज का हमारा वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। वंशानुक्रम एवं वातावरण। सबसे पहले हम जानेंगे वंशानुक्रम के और वातावरण के बारे में सामान्य जानकारी। जो बच्चे का विकास होता है वह आपके दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला होता है वंशानुक्रम और दूसरा होता है आपका वातावरण। ये दोनों कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें आपका जो जैविक रूप से जो प्रभावित करता है, यानी इसमें जो माता पिता के जो जैविक गुण होते हैं वह प्रभावित करता है, उसे हम कहते हैं वंशानुक्रम। और जो समाज आपका समाज के रूप में जो कारक प्रभाव डालता है उसे कहते हैं हम वातावरण। दूसरा है जन्म से संबंधित विकास, यानी जो जीवन का शुरुआत होती है उससे संबंधित जो विकास होता है उसे हम कहते हैं वंशानुक्रम। एवं समाज से संबंधित, यानी समाज में रहकर जो हमारा विकास होता है उसे हम कहते हैं वातावरण। तो यह थी दोनों के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम जानते हैं कि आपका वंशानुक्रम होता क्या है। बालकों को केवल अपने माता पिता से ही लक्षण प्राप्त नहीं होते, बल्कि पूर्वजों से भी एवं शारीरिक एवं मानसिक लक्षण प्राप्त होते हैं। इसे ही वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता या आनुवंशिकता कहा जाता है। तो जो बालक होता है उस बालक को केवल अपने माता पिता, यानी सिर्फ उसके मम्मी पापा होते हैं, सिर्फ उसी से उसको गुण प्राप्त नहीं होते, यानी उसको सिर्फ वही विशेषताएं प्राप्त नहीं होती, बल्कि उससे पूर्व की जो पीढ़ी होती है, माता पिता से पूर्व की जो पीढ़ी होती है उनसे भी उसको शारीरिक एवं मानसिक लक्षण प्राप्त होते हैं। इन प्राप्त लक्षणों को ही हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा या पैतृकता या फिर आनुवंशिकता के नाम से जाना जाता है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन के प्रारंभ करते समय ही नहीं, बल्कि जो जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय जो व्यक्ति में उपस्थित रहती हैं, तो वह क्या हो जाता है आपका वंशानुक्रम। आगे बढ़ते हैं। जो आपके गुणसूत्रों की संख्या होती है वह होती है 40, जिसमें कि आपके 23-23 जोड़े होते हैं। लड़का वो जो होता है वो XY और जो लड़की होती है उसके गुणसूत्र जो होते हैं XX होते हैं। वंशानुक्रम के नियम, वंशानुक्रम के तीन मुख्यतः नियम है, जिसमें से आपका पहला है समानता के नियम। इस नियम के अंतर्गत यह नियम कहता है कि जो मानव की संतान होती है तो वह जैसा जीव है उसी प्रकार की होती है। जैसे मानव की संतान मानव तथा पशु की संतान पशु ही होगी। तो अगर कोई मानव है तो उसकी जो संतान होगी वो मानव होगी, या पशु है तो उसकी जो संतान होगी वो पशु ही होगी। जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान लगभग उन जैसी ही होती है। तो यह आपका एक एग्जाम्पल है, जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान लगभग उन जैसी ही होती है। दूसरा नियम है आपका विभिन्नता का नियम। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वह अपने माता पिता पर न जाकर बिल्कुल ही भिन्न चले जाते हैं। तो इसमें कि इसमें बालक अपने माता पिता जैसा न होकर उनसे अलग होते हैं, यानी वह माता पिता से बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, वह कहलाता है आपका विभिन्नता का नियम। इसके बाद आता है आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि जब एक माता पिता के जो बच्चे होते हैं वह मंदबुद्धि हो जाते हैं, एक प्रतिभाशाली जो माता पिता होते हैं वह प्रतिभाशाली हों, तो जो प्रतिभाशाली माता पिता हों हो सकता है उनके बच्चे आपके मंदबुद्धि पैदा हों। या फिर यही नियम प्रत्यागमन का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई माँ बाप मंदबुद्धि के हैं तो उनकी संतान प्रतिभाशाली हो जाए। देखते हैं क्या है। जब बालक माता पिता से ठीक विपरीत गुणों वाला होता है, मंदबुद्धि माता पिता का प्रतिभाशाली बालक, तो जैसे हमने कहा कि इस प्रत्यागमन सिद्धांत या प्रत्यागमन नियम के अंतर्गत जो बच्चे होते हैं वह बिल्कुल ही, यानी अपने माता पिता के विपरीत गुणों वाले होते हैं।
प्रतिभाशाली माँ बाप के हो सकता है कि एक मंद बुद्धि बालक हो जाए, और एक मंद बुद्धि बालक के हो सकता है कि आपका एक प्रतिभाशाली बालक हो जाए। आगे बढ़ते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत। कुछ वंशानुक्रम के प्रमुख सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। पहला सिद्धांत है आपका बीज कोष का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं वह आपके हैं बीजमैन। दूसरा सिद्धांत है आपका अर्जित गुणों का सिद्धांत। अर्जित गुणों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके लैमार्क। तीसरा सिद्धांत है आपका आनुवांशिकता का सिद्धांत। आनुवांशिकता सिद्धांत दिया है आपके जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट आपका है सृजन शास्त्र यानी जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। इसे आपको दिया गया है गाल्टन द्वारा। अंतिम आपका जो सिद्धांत है वह वंशानुक्रम का दिया गया है डार्विन द्वारा, जिसे हम प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब एक नजर डालते हैं वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों पर। सबसे पहले जो शारीरिक गठन और बनावट, जो वंशानुक्रम होता है उस पर क्या क्या प्रभाव, यानी कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो उस पर प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले बात होगी इसमें कारक है जो शारीरिक गठन और बनावट। वहीं दूसरा है आपका व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव। तीसरा आपका सामाजिक स्थिति का प्रभाव, व्यक्तित्व का प्रभाव, स्वभाव का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, लिंग भेद का प्रभाव, यानी एक वंशानुक्रम पर आपके इन सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की शारीरिक गठन या उसकी बनावट कैसी है, उसकी व्यावसायिक या मानसिक योग्यता कैसी है, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, इन सभी का उसके वंशानुक्रम उसका प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति की बुद्धि कैसी है यानी उसका स्वभाव कैसा है, इन सभी चीजों का उसके वंशानुक्रम पर भी प्रभाव पड़ता है। नजर डालते हैं वंशानुक्रम की दो परिभाषाओं पर। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योगफल है, यानी जो वंशानुक्रम होता है वह आपका जन्मजात विशेषताओं का योगफल होता है। यह कथन कहा गया आपके डॉक्टर बी एन झा द्वारा, जो भारतीय मनोवैज्ञानिक है बी एन झा द्वारा कहा गया कि जो वंशानुक्रम होता है वह आपका जन्मजात जो विशेषताएं और या फिर गुण होते हैं उनका योगफल होता है। दूसरी परिभाषा है बुद्धवर्त की। बुद्धवर्त कहते हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जन्म से पहले गर्भधारण के समय थी, यानी गर्भधारण के समय जो भी बातें होती हैं वह सभी आपकी वंशानुक्रम में आ जाती हैं। यह कथन है आपका बोर्डवर्त का। अब कुछ वंशानुक्रम पर कुछ प्रयोग किए गए, वह जैसे कि गोगार्ड एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कैली कॉक परिवार नामक जो कैली का परिवार था उस पर वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। एक ज्यूक परिवार था और ज्यूक परिवार पर डग हेल ने प्रयोग किया था। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि किन मनोवैज्ञानिकों द्वारा इनमें से किस परिवार पर या किन परिवारों पर वंशानुक्रम आधारित प्रयोग किए गए। या तो आपसे मनोवैज्ञानिक पूछा जा सकता है या फिर उस परिवार का नाम पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। वातावरण, वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, यानी जो पर्यावरण होता है उसे हम वातावरण कहते हैं। बच्चा जब वातावरण में आता है तो उसके सभी क्षेत्रों का इस पर प्रभाव पड़ता है। हमने पहले बताया कि जो वंशानुक्रम में वातावरण होते हैं उसका व्यक्तित्व पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, यानी जो विकास होता है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके संबंध में एक परिभाषा दी गई है रॉस के द्वारा। रॉस कहते हैं वातावरण वह बाहरी शक्तियां हैं जो बच्चे को प्रभावित करती हैं, यानी वह मानते हैं कि जो ये सभी बाह्य शक्तियां जो कि आपके बच्चे को प्रभावित करती हैं उसे वह वातावरण मानते हैं। अब बात करते हैं वातावरण के प्रकारों की। आपके वातावरण के दो प्रकार होते हैं, पहला है आपका आंतरिक वातावरण और दूसरा होता है बाह्य वातावरण, यानी जो ऐसा वातावरण जो आपका गर्भाशय के समय होता है जिसे हम अंतःकेशीय वातावरण के नाम से भी जानते हैं वह आपका होता है आंतरिक वातावरण, यानी बच्चे के जन्म से पहले का जो समय होता है वह आपका आता है अंतःकेशीय वातावरण या आंतरिक वातावरण में।
वहीं दूसरा जो वातावरण होता है वह होता है आपका बाह्य वातावरण। जो बाह्य वातावरण होता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म के बाद जो उसके सामने परिस्थितियां या स्थितियां आती हैं वह आपका बाह्य वातावरण के अंतर्गत आता है। इसके आगे रखा है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण के अंतर्गत वे सभी चीजें जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, जैसे आपके पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, यह भी किसका है? एक पार्ट होते हैं पर्यावरण के। दूसरा होता है सामाजिक पर्यावरण। अब सामाजिक वातावरण या पर्यावरण ये होते हैं आपके जो बच्चे के आसपास रहने वाली जो संस्थाएं होती हैं, वे सभी आते हैं आपके सामाजिक वातावरण के अंतर्गत, जिसमें आपका कृत्रिम वातावरण होता है, जिसे हम कृत्रिम वातावरण के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका परिवार, समाज, विद्यालय भी होते हैं। अब बात करते हैं वातावरण का बच्चे पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, यानी बच्चे के विकास पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो आपका जो बच्चा होता है उस पर शारीरिक रूप से वातावरण का प्रभाव पड़ता है, मानसिक रूप से और बुद्धि के आधार पर जाति एवं बच्चे के अन्य सभी क्षेत्रों पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जो बच्चा वातावरण में रहता है उस पर इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का प्रभाव पड़ता है, यानी उस पर शारीरिक रूप से भी प्रभाव पड़ेगा, मानसिक रूप से भी प्रभाव पड़ेगा, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ेगा और जाति एवं बच्चे के अन्य जो संबंधित क्षेत्र होते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, यह था वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।